Good morning, students. Please raise your hands for attendance. All the students, raise your hands for attendance. Do it fast. देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे आसपास जो भी materials हैं, वो pure form में भी मिल सकते हैं और impure form में भी present है. तो जो substances pure form में है, उनको हमने बोला था कि उनके अंदर एक ही तरह के particles होंगे. They are having only one kind of particles. इसके बाद में हमने प्योर सब्सटेंसेस को कैटेगराइज किया था एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में. एलिमेंट्स वो थे जिनको हम और आगे स्प्लिट अप नहीं कर सकते. एलिमेंट्स वो थे जिनको हम और आगे सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट अप नहीं कर सकते, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स हैं. कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये सब एलिमेंट्स हैं. तो हम इनको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इनसे आगे सिंपल सब्सटेंसेस और क्रिएट नहीं कर सकते. लेकिन कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर के बनते हैं और हम उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट अप कर सकते हैं. तो कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट अप किए जा सकते हैं. जैसे कि H2O मैंने बताया था, H2O में दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तब जाकर के एक कंपाउंड क्रिएट होता है. तो कंपाउंड की डेफिनेशन आप याद रखिए, द सब्सटेंसेस विच आर हैविंग टू और मोर एलिमेंट. ऐसे सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हैं और केमिकली कंबाइंड है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो सकते. हमें अलग करने के लिए उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेंगे, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट अप करेंगे. वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट अप करेंगे तो दो एलिमेंट मिलेंगे, एक एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन. अब आगे हाइड्रोजन को नहीं तोड़ा जा सकता, आगे ऑक्सीजन को नहीं तोड़ा जा सकता, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हम स्टडी कर रहे थे कि एलिमेंट्स कितने, एलिमेंट्स के क्या क्या कैटेगरीज होती है. तो एलिमेंट्स को हमने बांटा था मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड. मेटलॉइड हमारा बाद का डिस्कशन होगा, पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल को डिस्कस कर रहे थे. अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन नहीं बताई थी, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर्टीज नहीं समझेंगे तब तक आप इसकी डेफिनेशन नहीं लिख सकते. ठीक है, तो पहले आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. जब तक प्रॉपर्टीज समझ आएंगी उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि हाँ, हम मेटल के लिए ये डेफिनेशन यूज करेंगे. उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज दिख रही हैं तो हम इसको मेटल बोलेंगे. कोई दूसरा सब्सटेंस है उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिख रही है तो हम उसको नॉन मेटल बोलेंगे. अब देखिए, मेटल के अंदर मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी, मेटल्स आर मेलिएबल. मेटल्स आर मेलिएबल. और इसमें क्या लिखा था हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में? नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल. नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी भी. इसमें मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, जिसमें हमने यूज किया था एक आयरन नेल का, एक लोहे की कील का यूज किया था. दिस इज द आयरन नेल. आयरन नेल लिया, या एल्यूमिनियम वायर ले सकते हैं. एक मेटलिक ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. दूसरा हमने पेंसिल लीड का यूज किया. ये पेंसिल लीड है, पेंसिल के अंदर हम जो लीड डालते हैं वो ग्रेफाइट की होती है. और ये पेंसिल लीड को हमने यहाँ रख दिया. अब दोनों को किससे स्ट्राइक करना है? हैमर से स्ट्राइक करना पड़ेगा. तो एक हैमर हमने यहाँ पर ऐसा बनाई और इसको क्या करेंगे, इसको स्ट्राइक करेंगे आयरन नेल पर. तो जैसे ही मैंने हैमर को आयरन नेल पर स्ट्राइक किया, देखा ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ. ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ, सिंपलर स्मॉलर पीसेस में डिवाइड नहीं हुआ, टूटा नहीं. तो इसका मतलब ये जो आयरन नेल था ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा. ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? थिन शीट में. ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है. तो हमने बोला आयरन नेल तो मेलिएबल है, आयरन नेल फिर मेटल का बना होगा. तो आयरन एक मेटल होगी, क्यों? क्योंकि हमने जब उसको हैमर से स्ट्राइक किया तो वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ. ब्रेक डाउन नहीं हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया? थिन शीट में कन्वर्ट हो गया. थिन शीट में, पतली चादर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमने उसको बोला इट इज मेलिएबल. अब मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी बताए थे, जैसे कि हम लोग सिल्वर फॉइल का यूज करते हैं स्वीट्स को रैप करने के लिए. स्वीट्स के ऊपर सिल्वर की रैपिंग की जाती है, ठीक है, चांदी की रैपिंग की जाती है. अब सिल्वर एक मेटल है तो उसकी एक थिन लीफ बनाई गई है. लीफ कैसे बनाएंगे? पतली सी.
उसको क्या करेंगे, हैमर से बीट करते रहेंगे। तो हैमर से जैसे जैसे स्ट्राइक करते रहेंगे सिल्वर को बिल्कुल थिन कर देंगे हम, इतना थिन कर देंगे कि पेपर से भी पतला हो जाएगा, फिर हम उसको स्वीट्स को रैप करने के काम में ले सकते हैं। इसी तरह से गोल्ड फॉइल का एग्जाम्पल मैंने बताया था, अमृतसर के अंदर जो गोल्डन टेम्पल है उसके ऊपर ये गोल्ड लीफ लगी होती है, गोल्ड लीफ लगी होती है, लीफ लीफ का मतलब है बिल्कुल पतली सी एकदम शीट होगी। वो कैसे बनाई जाएगी, गोल्ड एक मेटल है और मेटल को क्या करेंगे, हैमर से स्ट्राइक करेंगे और हैमर से स्ट्राइक करते करते उसको इतना थिन कर देंगे कि एक पेपर से भी उसकी कम थिकनेस हो जाएगी, पेपर से भी पतला हो जाएगा वो। फिर उसको उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है गोल्ड फॉइल को। तो मेटल्स जो है वो मैलिएबल है क्योंकि वो हैमर से स्ट्राइक करने पर टूटते नहीं है, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट इसके साथ करें, इस ऑब्जेक्ट के साथ करें, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इट इज पेंसिल लीड, ये पेंसिल की लीड है जो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो जैसे ही मैंने इसको हैमर से स्ट्राइक किया, ये तो किसमें डिवाइड हो जाएगा, ये तो ऐसे फ्रेगमेंट में पीसेस में टूट जाएगा, पाउडर बन गया ये तो। जैसे ही मैंने इसको हैमर से स्ट्राइक किया तो ये ब्रेक डाउन हो गया, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो हमने बोला जरूर ये क्या होगा, ये जरूर नॉन मेटल होगा। तो जो थिन शीट में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको बोला कि ये मेटल्स होंगे, और जो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं उनको बोला कि वो नॉन मेटल्स होंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिसाइड की थी। तो बोलेंगे मेटल्स आर मेलिएबल बिकॉज व्हेन वी स्ट्राइक देम विद द हैमर दे विल बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट, दे कन्वर्ट इनटू थिन शीट। जब भी हम उसको हैमर से स्ट्राइक करते हैं वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें लिखेंगे व्हेन वी स्ट्राइक द नॉन मेटल्स विद ए हैमर दे विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे, दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू द थिन शीट, वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इसीलिए तो इनको नॉन मेटल बोलते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल बोल सकते हैं। और जो प्रॉपर्टी का नाम है उसका, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डक्टिलिटी, DUCTILITY, डक्टिलिटी। अब मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ये कैसे बोला गया, क्योंकि मेटल्स से वायर बनाए जा सकते हैं। मेटल्स को जब हम ऐसा स्ट्रेच करेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने गर्म किया, गर्म करने पर मैंने इसको स्ट्रेच किया, ऐसा खींचना शुरू किया, फोर्स लगाया, देखा ये तो वायर में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो वायर में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी आपको कहां दिखेगी, ऐसी प्रॉपर्टी आपको मेटलिक ऑब्जेक्ट्स में दिखेगी, मतलब मेटल्स के अंदर दिखेगी। तो क्या लिखेंगे, मेटल्स आर डक्टाइल बिकॉज, रीजन मैं यहां लिख रहा हूं, बिकॉज दे कैन बी ड्रॉन इंटू थिन वायर्स, या डायरेक्ट लिख सकते हैं दे कैन बी ड्रॉन इंटू वायर्स, दे कैन बी ड्रॉन इंटू वायर्स, इनको वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ड्रॉन इंटू वायर का मतलब है कि मेटल्स, देखिए स्टेटमेंट का मैं मीनिंग बता देता हूँ, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल जो है वो डक्टाइल होते हैं बिकॉज दे कैन ड्रॉन इंटू वायर्स, क्योंकि उनके तार खींचे जा सकते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं क्योंकि उनके तार खींचे जा सकते हैं, ड्रॉन इंटू वायर्स का मतलब है कि उनके तार खींच सकते हैं। अब मेटल्स जो होते हैं आपके आसपास, जैसे कि कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, कॉपर वायर भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा एल्यूमिनियम वायर यूज की जाती है, वो कॉस्ट पर डिपेंड करता है, कॉपर की कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। अगर कॉपर की कॉस्ट ज्यादा है तो उसको हम सिर्फ कहाँ यूज करते हैं, घरों के अंदर ही यूज करते हैं, बाहर पोल के ऊपर वो वायर नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जो पोल के ऊपर वायर होती है उसकी थिकनेस भी ज्यादा होती है और वो तो कई किलोमीटर लंबी होती है। मान लीजिए यहाँ से 300 किलोमीटर दूर पावर हाउस है, तो 300 किलोमीटर दूर से पावर हाउस से वायर आ रही है, और पूरी सिटी के अंदर कितने लाखों घर हैं और हर एक घर के आगे से वो वायर जाएगी, तो इतनी सारी वायर को लगाना कॉस्ट तो जो है वो बहुत ज्यादा चली जाएगी। तो इसीलिए कॉपर से नहीं बनाई गई, जो पोल्स के ऊपर वायर्स लगी हुई है वो किससे बनाई गई है, वो एल्यूमिनियम से बनाई गई, किससे बनाई गई है, वो एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम थोड़ा लाइट वेट भी होता है, उसकी डेंसिटी भी थोड़ी कम होती है, तो जब हम उसको पोल पर लगाते हैं तो वो अपने ही वेट के कारण ऐसा झूलना नहीं, जैसे समर के अंदर जो वायर्स है वो एक्सपेंड हो जाएंगी, तो एल्यूमिनियम का वेट इतना ज्यादा नहीं होता, तो इस वजह से उसमें एक्सपेंशन थोड़ा कम होगा। ठीक है, कॉपर वायर लगाएंगे तो पोल्स के ऊपर, एक तो समर के अंदर गर्मियों के अंदर क्या होगा, वो वायर लंबी हो जाएगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और जब विंटर आएगा तो वो सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी,
तो उसके साथ प्रॉब्लम रहेगी कॉपर के साथ, एल्यूमिनियम के साथ ऐसा नहीं होगा, उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन जो है वो कम होता है इसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर गोल्ड की वायर नहीं बना सकते क्या? गोल्ड की वायर बना सकते हैं, नो डाउट बन जाएगी, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो इसीलिए उसको यूज नहीं किया जाएगा। और उसके साथ ये प्रॉब्लम्स भी है कि वो भी ज्यादा एक्सपेंड होता है, हीट एनर्जी जब उसको मिलेगी, हाई टेम्परेचर होगा 45 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास समर के अंदर, तो वो तो एक्सपेंड हो जाएगा। और अगर सोने की तार लगा देंगे खंबे पे तो हर कोई उतार करके अपने 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 घर ले जाएगा उसको, ठीक है। तो गोल्ड की वायर्स नहीं बनाएंगे, ना ही सिल्वर की वायर्स बनाएंगे, चांदी की सिल्वर और गोल्ड की वायर्स नहीं बनाई जाएंगी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मेटल्स। उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उनके एक्सट्रैक्शन में हम अर्थ क्रस्ट से मेटल्स को निकालते हैं तो उनके एक्सट्रैक्शन में जो खर्च आता है, जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उन मेटल्स को यूज नहीं कर सकते। कॉस्ट पर भी तो डिपेंड करता है, हम जो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जो भी खरीदते हैं वो किसके किसके बेसिस पर लेते हैं, कॉस्ट के बेसिस पर ही तो लेते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स आर डक्टाइल बिकॉज दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अच्छा, मैं नॉन मेटल्स के लिए एक वर्ड यूज करूंगा, ब्रिटल। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेक्स इनटू पीसेस, द सब्सटेंसेस व्हिच ब्रेक्स इनटू पीसेस आर कॉल्ड ब्रिटल। अब नॉन मेटल नॉन मेलिएबल था, क्यों? क्योंकि मैंने जब उसको हैमर से स्ट्राइक किया तो वो तो पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया, पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया तो मैं बोलूंगा नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखूं मैं, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल बिकॉज दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, क्योंकि हम इससे क्या नहीं बना सकते, वायर्स नहीं बना सकते। जब मैं इसको ऐसा खींचना चाहूंगा ये तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। मेरे पास सल्फर का एक ऑब्जेक्ट था, सल्फर पाउडर होता है येलो कलर का, तो मैंने उसका एक उसको ऐसा जमा करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, अब मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ टूट गया, वो तो ब्रेक डाउन हो गया। इसी तरह से पेंसिल लीड ली थी हमने, पेंसिल लीड को जैसे ही ऐसा खींचेंगे स्ट्रेच करेंगे वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्मॉलर पीसेस में टूट जाएगा। तो नॉन मेटल्स नॉन वैल्यूएबल है, नॉन डक्टाइल है, या उसकी बजाय आप एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब है कि जब भी उन पर फोर्स लगाया जाएगा किसी भी तरह से, हैमर से या उनको स्ट्रेच करके खींच करके किसी भी तरह से आप फोर्स लगा रहे हैं, वो स्मॉलर पीसेज में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़ करके। वायर तो नहीं बनाए जा सकते, ना ही उससे थिन शीट बनाई जा सकती है डायमंड से, ना ही उससे वायर बनाई जा सकती है, लेकिन वो ब्रिटल नहीं है, वो पीसेज में ब्रेक डाउन नहीं होगा जब आप उसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे या आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो टूटेगा नहीं। तो डायमंड को छोड़ करके बाकी सब नॉन मेटल्स, नॉन वैल्यूएबल है, नॉन डक्टाइल है। हालांकि वायर्स डायमंड की भी नहीं बनेगी और जो डायमंड से थिन शीट भी नहीं बना सकते, थिन शीट में भी वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब ये वर्ड्स जब भी मैं बोलूंगा तो आपको समझ आना चाहिए, मैंने बोला मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी का मतलब होगा कि उनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है सब्सटेंस को हैमर से स्ट्राइक करके। जब भी मैं बोलूंगा डक्टिलिटी तो आपको याद रहना चाहिए कि वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है सब्सटेंस को, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी सब्सटेंस को। एग्जाम्पल सुनिए इसका, मेटल्स का, जैसे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है, उससे लगभग कितने मीटर की वायर बनाई जा सकती है, 200 मीटर। 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 200 मीटर की वायर बनाई जा सकती है, ये इतना डक्टाइल होता है जो कि नॉन मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड, मेलेबिलिटी बता दिया, डक्टिलिटी बता दिया, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कस करते हैं फिर हीट का बताता हूं मैं। इसमें मैं एक प्रॉपर्टी लिखूंगा, मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं मेटल्स। नेक्स्ट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर लिख सकते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट प्योर कार्बन से बना होता है,
प्योर कार्बन से बना होता है। अब कार्बन तो कोल के अंदर भी होता है, कोयले के अंदर भी होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। कार्बन तो डायमंड के अंदर भी होता है, जो डायमंड है वो भी प्योर कार्बन है लेकिन वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो कार्बन की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको शेप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उसकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। जो कार्बन है वो एक फॉर्म में नहीं मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अपीयर होता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में, कोल की फॉर्म में। तो ये सब इनके अंदर, सबके अंदर कार्बन ही होता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ग्रेफाइट। तो एक्सेप्ट ग्रेफाइट लिखा मैंने। अब सबसे पहले इसको देखो, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कैसे पता लगेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा। तो एविडेंस देते हैं, कैसे देंगे देखिए, एक सर्किट बना लेते हैं। ये मैंने कनेक्शन वायर लगाई, कनेक्शन वायर के साथ में एक ये बल्ब अटैच कर दिया मैंने, ये एक टॉर्च का बल्ब है, छोटा सा बल्ब हमने लिया एक, और सेल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेन वायर मेन लाइन से एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जो पावर लाइन आती है हमारे घर के अंदर उससे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। प्लस और माइनस, ये बल्ब के अंदर दो टर्मिनल थे, एक था पॉजिटिव टर्मिनल, एक था नेगेटिव टर्मिनल। ये कैसे डिसाइड होगा? ये बैटरी के टर्मिनल से डिसाइड होगा। मैंने यहां से एक वायर लगाई, ये वायर कनेक्ट कर दी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये बैटरी का मैंने ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये एक सेल लगाया मैंने, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अब इधर से एक वायर लेकर के आते हैं, ये वायर, अब इनके बीच में कनेक्शन लगाएंगे हम अलग अलग सब्सटेंसेस का। तो सबसे पहले एक कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, ठीक है, कहीं पर हमें नट वगैरह खोलने होते हैं या पेच वगैरह ओपन करने होते हैं, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, ठीक है, पेचकस बोलते हैं आप जिसको जनरल लैंग्वेज में। तो स्क्रू ड्राइवर के आगे दो मटेरियल्स होते हैं, सबसे पहले तो एक इस तरह की रोड होती है जिसके आगे स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से हम किसी भी पेच को या नट को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर एक इंसुलेशन लगा होता है, ये जिसमें मैं डिजाइन बना रहा हूँ ये प्लास्टिक का इंसुलेशन लगा हुआ है, और ये आगे स्क्रू ड्राइवर ये वाला। अब स्क्रू ड्राइवर का ये वाला जो आगे वाला पार्ट है ये कैसा होता है? ये मेटल का बना होता है, ये कैसा होता है? ये मेटलिक होता है। तो मैंने स्क्रू ड्राइवर का ये पार्ट जब इस इनके बीच में कनेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्शन लगाया स्क्रू ड्राइवर को, ये इसका इंसुलेशन है, ये प्लास्टिक लेयर है और ये मेटल है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये मैंने इसको डार्क कर दिया। अब वायर को मैंने जैसे ही इन दोनों के कनेक्ट किया तो देखा बल्ब ग्लो करने लगा, बल्ब ग्लो करने लगा, तो इसका मतलब स्क्रू ड्राइवर के आगे का जो टिप थी वो किसका बना हुआ था? वो मेटल का बना हुआ था। और अगर इसको लगाएंगे सर्किट में तो देखते हैं बल्ब ग्लो नहीं करता, तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं कर सकता? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। अब और एक्सपेरिमेंट देखो, और कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, आयरन नेल ले लेते हैं। तो मैंने इन दोनों वायर्स के बीच में क्या कनेक्ट कर दिया, अब मैं कनेक्ट करने वाला हूँ आयरन नेल। ये मैंने लोहे का कील यहाँ पर लिया और इनके बीच में ऐसा लगा दिया, सर्किट कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट होते ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो ये तो ग्लो करेगा। तो देखिए बल्ब के साथ एक सेल लगा रखा है, सेल के साथ हमने यहाँ पर दोनों वायर्स के बीच में आयरन नेल लगा दिया, तो आयरन नेल लगाया फिर भी कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब हमने बोला ये आयरन है तो ये भी मेटल होगा, तो ये भी मेटल का बना होगा, क्योंकि बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, अब और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग ज्वेलरी यूज करते हैं, गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी यूज करते हैं, तो वो ज्वेलरी का अगर पीस मैं यहाँ पर लगा करके देखूंगा, मैं लगा करके देखूंगा, आपको नहीं लगाना, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना ज्वेलरी से प्लीज, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पर ज्वेलरी का कोई भी पीस लगा करके देखा, ऑर्नामेंट जो हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक गोल्ड की चेन लगा दी, देखा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, देखा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो ये जो गोल्ड की चेन यहाँ पर मैंने लगाई थी, गोल्ड चेन जो मैंने यहाँ लगाई थी वो भी एक कंडक्टर है, वो भी एक कंडक्टर है, तो मतलब वो किसका बना हुआ है? वो मेटल का बना हुआ है। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं, मैंने यहां पर स्क्रू ड्राइवर का भी मैंने बताया था प्लास्टिक, तो मैंने प्लास्टिक का कुछ मटेरियल यहां पर लगा दिया, ये प्लास्टिक का मटेरियल कुछ लगा दिया, देखा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो हमने बोला ये नॉन मेटल होगा, ये कैसा होगा? नॉन मेटल। इसी तरह से पॉलीथीन आते हैं, पॉलीथीन भी नॉन मेटल से बना होता है,
पॉलिथीन को यहाँ लगाएंगे इन दोनों वायर्स के बीच में। मैंने कनेक्शन कर दिया एक पॉलिथीन का दोनों वायर्स के बीच में, देखा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो हमने बोला ये भी नॉन मेटल से बना होगा भैया फिर। ठीक है, अब इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और किया किसी के पास डायमंड था, तो उसने बोला कि सर हम डायमंड लगा करके देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती है। तो इस तरह से हमने एक डायमंड को लगा करके देखा, देखा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो हमने बोला ये डायमंड भी एक नॉन मेटल है क्योंकि इसमें से भी क्या नहीं हो रही, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही। अब इसके बाद लास्ट में पेंसिल लीड को लगाया, पेंसिल लीड को लगाया और ये पेंसिल लीड जैसे ही मैंने यहां लगाई देखा बल्ब ग्लो कर गया। बल्ब ग्लो कर गया, क्यों ग्लो कर गया, क्योंकि जो पेंसिल लीड थी वो किसकी बनी हुई थी, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ये किसकी बनी हुई है, ये ग्रेफाइट की बनी हुई है, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है जबकि वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो आप देखिए स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रख लीजिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर से पास हो सकती है। और नेक्स्ट नॉन मेटल्स जो है दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। किसको छोड़ करके, किसको छोड़ करके, ग्रेफाइट को छोड़ करके। ठीक है, तो ग्रेफाइट मैंने यहां लगाया था, उस केस में बल्ब ग्लो कर रहा था, इसका मतलब ग्रेफाइट एक कंडक्टर था जबकि वो एक नॉन मेटल है, क्योंकि ग्रेफाइट किससे बना हुआ है, कार्बन से। ग्रेफाइट किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमने अभी तीन पॉइंट्स को स्टडी किया। एक पॉइंट मैं और बताऊंगा लेकिन पहले थोड़ी सी क्वेरीज आ रही है उसके बारे में डिस्कस करने। यस मिस्टर राहुल, राहुल मिस्टर राहुल राहुल यस गौरव मित्तल गौरव मित्तल गुड मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग सर, योर क्वेश्चन मॉर्निंग सर, इज आवर हैंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मॉर्निंग सर, हमारी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, हमारी बॉडी से कंडक्ट हो सकती है, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक किस कारण से लगता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी से फ्लो होकर के जाती है, इसीलिए तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो आवर बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये एक मिक्सचर है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके अलावा इसके अंदर आपको मिलेंगे एलिमेंट, सिल्वर भी मिलेगा, गोल्ड भी मिलेगा, लेकिन कम क्वांटिटी इसके अंदर है, सोडियम भी मिलता है बॉडी के अंदर। सोडियम जो है वो एक्सिलरेट करता है हमारी ब्रेन की रिएक्शन को, पूरी बॉडी से जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन में या ब्रेन से जो पूरे सिग्नल जाते हैं बॉडी में वो उसको एक्सिलरेट कौन करता है, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी के अंदर आयन है, वो अभी आप शायद हायर क्लासेस में पढ़ेंगे या नेक्स्ट चैप्टर के अंदर थर्ड या फोर्थ चैप्टर में आयन आएंगे। तो आयन जब मैं बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आयन के कारण इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है, लेकिन अभी हमारा डिस्कशन का टॉपिक आयन नहीं है, हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यस मिस्टर यश, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा सर, मरकरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है क्या? मरकरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, मेटल है ना, वो लिक्विड स्टेट में है, नो प्रॉब्लम, लिक्विड स्टेट में है, नो प्रॉब्लम, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। हम अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा, मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन हम उसको जब ठंडा करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस पे, 5 डिग्री सेल्सियस तक जब उसको ले जाएंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा तो वो मेलिएबल भी होगा, डक्टाइल भी होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा, तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी ये, तो हम इसीलिए उसको मेटल बोलेंगे। थैंक यू।
ओके वेलकम। अब देखिए मैं एक पॉइंट और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला था मैंने, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिखा है, बाकी सब मेटल्स भी कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर। लेकिन सिल्वर से वायर नहीं बनाएंगे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सिल्वर। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये हीट एनर्जी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट देखो ध्यान से, कैसे पता लगेगा हीट ट्रांसफर हो रही है। हीट का कंडक्शन का मतलब है कि हीट का ट्रांसफर होना, हीट का चल करके जाना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक आयरन की रोड ली, ये आयरन रोड है, इस आयरन रोड के ऊपर मैंने तीन चार जगह पर रेक्स लगा दी, दिस इज द फर्स्ट पोजिशन। थोड़ा आगे लगाते हैं, यहां पर दिस इज द फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन ये है, मैंने यहां पर मैंने वैक्स लगा रखी। इसके बाद में यहां पर मैंने एक कैंडल को बंद किया, कैंडल को बंद किया तो ये जो एंड है, ये जो फर्स्ट एंड है, ये तो हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो आयरन का फर्स्ट एंड है, ये तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ये तो हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से ये गर्म होगा, यहां से ये गर्म होगा। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जो पहले नंबर पर हमने वैक्स लगा रखी थी, वो वैक्स मेल्ट होकर के नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाती है, वो वैक्स मेल्ट होकर के ऐसा ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आ जाती है। ओके, फिर हमने देखा थोड़ी देर बाद ये सेकंड वाली भी ऐसा मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके थोड़ी देर बाद ये थर्ड वाली जो है वो भी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, और फोर्थ पोजिशन पर जहां पर हमने वैक्स रखी थी फिर ये भी मेल्ट हो जाती है। और फिर हम इस एंड को टच करके देखते हैं ये कैसा फील होता है, ये हॉट फील होता है। मैंने इसको टच किया, ये गर्म फील हुआ। तो मैंने बोला कि हम इसको गर्म तो यहां से कर रहे थे, लेकिन फिर ये यहां से क्यों गर्म हो गया। तो इसके लिए ये रिजल्ट निकाला गया कि ये हीट को ट्रांसफर करता होगा, ये हीट को फर्स्ट एंड से इस एंड से लेकर के इस एंड तक ट्रांसफर करता होगा। तो ये हीट को ट्रांसफर कर रहा है, हीट को ट्रांसफर कर रहा है, तो हमने बोला जरूर ये मेटल होगा। तो हमने बोला कि जो हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं वो प्रॉपर्टीज आपको किसमें दिखती है, वो प्रॉपर्टी आपको मेटल्स में दिखती है। तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं, वो हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब हीट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट फिर से देख लो, ये आयरन रोड थी, मैंने कैंडल यहाँ पर बंद की है, तो इसको सिर्फ यहाँ से गर्म होना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि वैक्स पहले फर्स्ट पोजिशन से मेल्ट हो गई, फिर सेकंड पोजिशन से, फिर थर्ड पोजिशन से, फिर फोर्थ पोजिशन से भी मेल्ट हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है, इस डायरेक्शन में हीट आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इसीलिए तो जो बर्तन है वो किसके बनाए जाते हैं, मेटल्स के बनाए जाते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, इसके अलावा स्टील के हम लोग बनाते हैं। तो वेसल्स को बनाने के लिए, बर्तन को बनाने के लिए मेटल्स का यूज किया जाता है, बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट को ट्रांसफर करते हैं जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाएगा, वो हीट को जल्दी ट्रांसफर करते हैं जिसकी वजह से खाना जो फूड है वो जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। इसीलिए जो बर्तन होते हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं। सो वी आर सेइंग इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें भी देखो एक स्पेशल नेम मैं ले रहा हूं, सारे मेटल हीट को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो सिल्वर है वो हीट को भी जल्दी ट्रांसफर करता है, जो सिल्वर है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से जल्दी ट्रांसफर करता है। तो सिल्वर के लिए मैंने दोनों एग्जांपल लिख दिए, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को भी जल्दी ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या लिखूं, पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर लिख सकते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को ट्रांसफर नहीं करते। जो नॉन मेटल्स हैं वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब ये हीट को ट्रांसफर नहीं कर रहे, जैसे कि एग्जांपल लेना पड़ेगा आप, मैंने ग्रेफाइट को लिया, ग्रेफाइट को लिया, देखा वो क्या नहीं कर रहा, हीट को ट्रांसफर नहीं कर रहा। पेंसिल लीड ली, ये पेंसिल लीड है, इसको मैंने इधर से हीटअप करना स्टार्ट किया, गर्म करना शुरू किया। कार्बन है, देखो इसके अंदर ये रिएक्शन आपको नहीं करना है, ये एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें कार्बन है और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएगा वो,
तो हमें सिर्फ इसको हीट अप करना है। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ और आपको सुनना है, करके नहीं देखना घर पर ये एक्सपेरिमेंट आपको। तो मैंने जब पेंसिल लीड को हीट अप किया, सिर्फ गर्म किया मैंने, उस समय पर देखा मैं इसको दूसरी तरफ से टच कर रहा हूँ, मेरे को गर्म फील नहीं हो रहा, हॉट फील नहीं हो रहा। इसका मतलब हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर ही नहीं हो रही, इसलिए तो ये गर्म फील नहीं हो रहा। इसी तरह से जो हम लोग फ्राई पैन यूज करते हैं, खाना बनाने के बर्तन यूज करते हैं, जैसे कि ये फ्राई पैन होता है इस तरह से, इसका जो हैंडल होता है वो ऐसा मेटल का होता है, और मेटल के हैंडल के ऊपर लास्ट में एक प्लास्टिक का कवर लगा होता है, एक इंसुलेशन कवर लगा होता है। क्यों? क्योंकि हम यहां से तो इस ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, यहां से तो हम इस फ्राई पैन को क्या करेंगे, पकड़ेंगे। ये गर्म फील नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल का बना हुआ है, ये नॉन मेटल का बना हुआ है, तो बर्तन गर्म हो जाएगा लेकिन हीट उसमें ट्रांसफर नहीं होगी, प्लास्टिक के अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होगी। वो आपने 8th क्लास में स्टडी किया थर्मोसेटिंग। ओके, सिर्फ एक मिनट रह गया है तो सुन लीजिए दोबारा। जो मेटल्स हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स जो है वो हीट को ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो हीट को ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सिर्फ एक को छोड़ करके डायमंड, किसको? डायमंड को छोड़ करके, डायमंड हीट को ट्रांसफर करता है। ये देखा गया है कि जो डायमंड है वो हीट को ट्रांसफर कर सकता है। तो क्या बोलेंगे? ऑल द नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट डायमंड। थैंक यू सो मच। कल हम डिस्कस करेंगे इसकी 10 प्रॉपर्टीज है, 10 प्रॉपर्टीज है, अभी मैंने सिर्फ आपको 4 बताई, कल 5th प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे।